दिस इज मी हामिया मोइन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का दिन स्टार्ट हो चुका हुआ है, दूसरा रोज़ा है और रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और इस टाइम जो है मैं नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के, कुरान की तलावत वगैरह करके मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और आज हम सोच रहे थे कि आज हम क्या बनाएं, तो सब कह रहे थे कि कुछ खास ना करो क्योंकि है ना मैं यही एक टाइम होता है आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तो आप जो है ना नॉर्मल सा खाना वगैरह करो। लेकिन ना फिर भी ये हर जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी घर की और जिसे कहते हैं देसी घरों की ना ये होता है कि हम जितना मर्जी सोच रहे हैं कि हमने खाना बनाना है लेकिन हम खाना नहीं बनाते हैं, हम एट दी एंड कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं। तो जी कुछ ऐसा ही है, मैंने सोचा कि मैं आज कुछ बनाती हूँ। तो मैं पैटीज बना रही हूँ और मैं बताती हूँ क्या बनाऊंगी, अभी तो नहीं बताऊंगी, आगे जाके आपको वीडियो में आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो अभी जो है मैं चीज़ें वगैरह अपनी निकाल के आ चुकी हुई थी, जब मैंने कुरान पढ़ा था तो उससे पहले मैंने चीज़ें वगैरह निकाल ली थी और अब तक ना चीज़ें डिफ्रोस हो जाऊँ उतनी देर में जितनी देर में कुरान पढ़ूंगी, तो होपफुली अब तक वो हो चुकी होंगी। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ और जाकर देखते हैं कि भाभियाँ क्या कर रही हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, क्योंकि ये जो एक स्टार्ट है ना ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि स्टार्ट कहाँ से लूँ। और उससे पहले हम जाते हैं बाहर, देखते हैं कि मेरी सिस्टर जो है बच्चों को लेके गई हैं और आज वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही मैं कहती हूँ हसीन किस्म का वेदर हुआ हुआ है। तो चल के पहले देखते हैं बाहर के बाहर क्या चल रहा है, बच्चे वगैरह साइकिलिंग कर रहे हैं आई थिंक, तो चल के पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद जो है ना हम जाएंगे किचन में और करेंगे इफ्तारी की तैयारी। सो गाइज यहाँ पर जो है ना बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं, और ये जो ये है ना माशाल्लाह से इस बच्ची का रोज़ा है और इस बच्ची के सारे रोज़े जो है इसने क्या है कि इसने पूरे रोज़े रखे हैं, अभी तक तो इसके पूरे ही जा रहे हैं, दो रोज़े गुजरे हैं और दोनों ही इसने रखे हैं। और उसके अलावा जो है ये छोटे छोटे साइकिलिंग कर रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये इन्होंने ना इनके जो पेरेंट्स हैं ना इन्होंने तोड़ निकाला है इनको स्क्रीन से दूर रखने के लिए कि यहाँ पर आके साइकिलिंग करें और क्रिकेट खेलें। तो अब हम चलेंगे अंदर, अंदर चल के देखते हैं कि भाभियाँ क्या कर रही हैं किचन में और कहाँ से स्टार्ट लेना है हमने। कहाँ पे है यहाँ पर ना गैलरी है कोई और वो मुझे नजर नहीं आ रही, मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो इतनी स्पीड से भागती है ना तो मुझे इससे डर लगता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये बैठी हुई है यहाँ कहीं, ये बैठी हुई हाँ ये रही और इस साइड पे गई है, मुझे इससे बहुत डर लगता है तो मैं पास नहीं जाऊँगी, मैं दूर से ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं किचन में आई हूँ, ये बन रहा है हमारा चिकन पकौड़ा और चिकन पकौड़ा में हमने मसाले क्या क्या डाले हैं बताओ, क्या क्या मसाले डाले हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट डली है इसमें, चिली फ्लेक्स डले हैं, ज़ीरा डला है, गर्म मसाला डला है, लेमन डला है, रेड चिल्ली डली है और सॉल्ट तो डलता ही है, ये सब चीज़ें डली हैं इसमें। और इसको मैरिनेट करेंगे और इसके बाद इस पर क्या वो भी डालेंगे बेसन या मैदा कुछ डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है इसके ऊपर अभी हमने अंडा कॉर्नफ्लावर और मैदा ये तीनों डाल के कोट कर लेना, फ्राई होते हुए मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और दूसरी साइड पे यहाँ पर जो है ना भाभी बना रही है पकोड़े, तो पकोड़ों की तो रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत कॉमन होते हैं, हर घर में लाजमी बनते हैं। और साथ में ये कल का हमारा मटेरियल पड़ा हुआ था तो उसको भाभी ने सेव कर लिया, तो अब इसी के ऊपर उन्होंने और चीज़ें कट कर ली हैं और इसको हम बना लेंगे पकौड़ा, नहीं पकौड़े बन जाएंगे। और दूसरी भाभी मेरी यहाँ पर ना चिकन वॉश कर रही हैं क्योंकि इसके बाद हम बनाएंगे कोरमा। और यहाँ पे मैं बना रही पैटी है जो मैंने निकाल के रखी थी वो, लेकिन ये स्टिल जो है ना हार्ड है अभी, ये डिफ्रोस्ट नहीं हुई। और साथ में यहाँ पे मैं एक डिज़र्ट बनाऊंगी स्पेशली अपनी भाभी के लिए क्योंकि वो डाइट पर हैं। मैंने तैयार कर लिया है और साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ देगी कोरमा, उसमें ना जितने भी साबुत गरम मसाला होता है ना मैंने वो डाल दिए। अब इसके बाद जो है साथ में मैंने मसाले भी भर लिए हैं क्योंकि खाली हो चुके हुए थे, तो ये बस अब मैंने डालना है गरम मसाला इसमें, ये डालती हूँ उसके बाद हमारे मसाले भी हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम डिज़र्ट की तरफ चलते हैं। और अभी जो है सबसे पहले हमने इसे फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसमें मैं चिकन डाल दूँगी,
सॉरी, इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी, उसको थोड़ा सा फ्राई करके, फ्राई करने के बाद जो है ना इसमें फिर मैंने डाल देना है चिकन, फिर हमने इसको चिकन फ्राई करना है। तो चलिए मैं भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ, बता भी देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, इसमें ये फ्रीज हुई हुई थी स्ट्रॉबेरी, और उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाल दी है, और उसके बाद मैं अभी इसको जल्दी से ब्लेंड करके लाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने अपना चिकन भी डाल दिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट को ब्राउन किया, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, और अभी मैं जल्दी से लेकर आती हूँ इसको ब्लेंड करके। तो इसको ब्लेंड करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमारे किचन में ना छोटा जो किचन है ना उसमें सारी मशीनरीज जो है ना यहाँ पर होती हैं, क्योंकि फिर बड़े किचन में अगर मशीनरीज भी हो ना तो फिर स्पेस इशू शुरू हो जाता है। तो पहले मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे से एक हाथ से हो नहीं रहा है। तो ये मैंने ना इसकी प्यूरी बना ली है स्ट्रॉबेरी की, ये इस तरह बनी है, ठीक है। अब जो है ना मैंने थोड़ी सी इसमें डालनी है ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना कंडेंस मिल्क डालना है। ये जो भी निकालने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होना है, तकरीबन जो है ना मैंने इसमें 4-5 चम्मच जो है कंडेंस मिल्क डालना है। तो मैं ये डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि निकल नहीं रहा है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने टमाटर डाल के रख दिया पकने के लिए, और उसके बाद मैं इसके जो है ना ऊपर के जो छिलके हैं वो रिमूव कर दूंगी, और यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर, इसको जो है मैंने ना मिक्स कर लिया था। और अब ये हमारा ब्रेड है, ठीक है, जो हमने डाले थे केक पीस, अब इसके ऊपर हमने इसको कोट कर देना है। तो ये मैंने फाइनली ना इसको डाल लिया ऊपर, और उसके बाद जो है मैं इस यहाँ पर ये ऐसे करके ड्रिप कर दूंगी स्ट्रॉबेरी का जो हमने बनाया था वो। ओ शिट, ज़्यादा देखिए है, चलें कोई बात नहीं, इसको ना फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके मिक्स करना है। सो गाइस, एक चीज़ जो है मेरी रेडी हो चुकी हुई है। यहाँ पर कॉर्नर में मैंने मसाला डाल दिया था ना, थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक आ रहा है कैमरे में, तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें जो है एक कोरमा मसाला डाला है, और इसमें जो है दादर मिर्च और गरम मसाला, हल्दी और नमक, ये चीज़ें डाल के मैंने इसको पकने रख दिया, और इसको मैं रख रही हूँ पकने। और यहाँ पर मेरे पास जो है ना थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, सिस्टर ने ना समोसे बनाए थे कल, ये उसका मटेरियल बच गया था, तो आज उसी से मैं पैटीज़ बना रही हूँ। तो मेरे पास पैटी डो है, ये एक मैंने खोल ली, ये एक पैटी डो मैंने खोल ली हुई थी, तो अब जो है ना मैं ये बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है कैमरा जो है ना इसको यहाँ पर लगाती हूँ स्टैंड पर, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही ना क्विकली बन जाते, तो मैंने सोचा कि ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने इधर थोड़ा सा डाल देना है मैदा, ताकि ना जो डो है ना, बेसिकली होती तो डो ही है ना, तो ये चिपके नहीं। रोज़ा इस टाइम खुल चुका हुआ है और इफ्तारी हो चुकी हुई है। बीच में मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ना लेट हो चुके हुए थे, और जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करना था क्योंकि इफ्तारी लेट हो रही थी। तो इसलिए जो है मैं जितना मैक्सिमम मैंने कवर किया है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस टाइम मैं रूम में आई हूँ, रूम में आके मैं अब पढ़ूंगी नमाज और फिर कुरान पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग जो है ना एंड करूँगी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।